गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, साथियों सबको नमस्कार। आपने मेरे चैनल पर यूज़ ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम के अभी तक 10 वीडियोस देखे होंगे। ये 11th वीडियो है, ये बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर मैं एक नए डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव पैनल और ये वाइट बोर्ड है। इससे पहले मैंने जो इंटरैक्टिव बोर्ड आपको दिखाया वो था प्रोजेक्टर बेस्ड, जिसमें एक प्रोजेक्टर, एक सीपीयू, एक बोर्ड और स्पीकर्स और पेन, पांच आइटम्स मिलकर के वो बोर्ड बन रहा था। और इस बोर्ड को आप देखिए, यहाँ पर केवल दो आइटम हैं, ये बोर्ड है और ये पेन है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर्स हैं और इस पे जो हम लेसन टीच कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने की भी फैसिलिटी है। दूसरा एक डिसएडवांटेज हमारे प्रोजेक्टर बेस्ड इंटरैक्टिव बोर्ड का ये है कि प्रोजेक्टर बेस्ड इंटरैक्टिव बोर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो पूरे रूम को अंधेरा करना पड़ता है, डार्क रूम में ही उसके ऊपर जो भी लिखा है वो दिखता है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी तरह से वेंटिलेटेड रूम है, सारे विंडोज़ और डोर्स ओपन है, उसके बावजूद भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें लेसन्स कैसे पढ़ाए जा सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपना स्टोरेज ओपन किया है और मेरा जो लेसन है मेरे पेन ड्राइव में है और मेरे फोल्डर में है। और यहाँ से मैं एक डायग्राम लेना चाहूँगी, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस डायग्राम को देखिए, अभी तो छोटा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको पहले मैं सेंटर में लाती हूँ, यानी कि हम डायग्राम को पूरे बोर्ड में कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसको मैं जूम कर सकती हूँ और वो भी इमेज क्वालिटी बिगाड़े बिना, पिक्सल नहीं फट रहे। और इसके अलावा मैं इस पर लिख भी सकती हूँ, ये मैं लिखते हुए समझा सकती हूँ। ये लंग्स हैं, आप देखिए जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, कोई लेटेंसी नहीं है, कोई डिले नहीं है, जिस स्पीड से मैं लिख रही हूँ उसी स्पीड से हमें इसका इम्प्रेशन मिल रहा है। चलिए मैं एक और लिख करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये है हमारा नेजल पैसेज, यानी कि जहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इससे लिख सकते हैं। अब मिटाने का भी तरीका देखिए, ये मेरा रबड़ और ये मैंने मिटा दिया। लिखना भी आसान और मिटाना भी आसान। तो इसमें इमेज को इंपोर्ट करके पढ़ाया जा सकता है। तो क्या केवल इमेज ही इंपोर्ट होता है या कोई अन्य फॉर्मेट्स भी हैं जो ये सपोर्ट करता है? ये डिलीट कर दिया मैंने और ये मेरी लाइनिंग्स भी मैंने मिटा दी। अब हम देखते हैं कि हम इसमें और क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो इंपोर्ट करके बताती हूँ। ये है घूर्णन एवं परिक्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको पोजीशन कर रही हूँ और जूम कर रही हूँ जितनी मेरी बोर्ड की कैपेसिटी है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं पीछे तक देख सकते हैं। अब इसको वीडियो को प्ले करना। घूर्णन एवं परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को घूर्णन कहा जाता है। देख सकते हैं इसके साउंड क्लैरिटी बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे सुन सकते हैं। इस पर भी लिखना पॉसिबल है। ये हमारी अर्थ है और ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, यह रोटेशन है। ये जो एक्सिस है ये इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक अक्ष है, इस काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो वीडियो को चलाया भी जा सकता है और वीडियो को पॉज करके बीच में एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी वीडियोस होती है पर इंग्लिश में होती है, हमारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं समझ नहीं पाते, तो हम कुछ नहीं उसके आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं और उसके बजाय अपनी आवाज़ दे करके बच्चों को उस वीडियो एनिमेशन से लाभ उठाने का एक अवसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को डिलीट कर देती हूँ। क्या इमेज और वीडियो के अलावा हम टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारी मैक्सिमम बुक्स टेक्स्ट फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। चलिए हम एक पीडीएफ को इंपोर्ट करके देखते हैं। इसमें ये एक लेसन भी है, क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो।
बिल्कुल वही तरीका है, इसको सेलेक्ट किया और अनलॉक किया और इसको रीपोजिशन किया, यानी कि जहाँ चाहिए वहाँ सेट किया और जितना चाहे जूम किया। मुझे हाथ ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कंटेंट को नीचे ला सकते हैं। अब इस पर लिखा भी जा सकता है, ओके, हेमलॉक। हेमलॉक मीन्स पॉइजन, एक प्रकार का जहर। आलेख क्या होता है यह तो समझाने के लिए हमारे सामने टेक्स्ट है, परंतु हम आलेख बना भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ और एक ग्राफ वाला बैकग्राउंड ले लेती हूँ। यह मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बड़े आसानी से बन गया है। 1, 2, 3, 4, ये जो आलेख यहाँ बनाया है हम बच्चों को बनाकर भी दिखा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो सारे फाइल फॉर्मेट्स सपोर्ट करने के साथ साथ ये हमें ऑनलाइन इंपोर्ट का भी ऑप्शन देता है। अभी तक मैंने जो इंपोर्ट किया था वो मेरे पेन ड्राइव में था, यानी कि लोकल स्टोरेज से मैंने इंपोर्ट किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। गूगल और स्पेस MAPS, गूगल मैप्स में लेना चाहूँगी इसमें। चलिए हम सर्च में चल करके गूगल मैप्स ओपन कर लेते हैं। अब इस गूगल मैप्स को भी मैं फुल स्क्रीन मोड में ले रही हूँ। ये गूगल मैप्स हैं, ये सोशल स्टडीज़ पढ़ाने का, ज्योग्राफी पढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। पूरा का पूरा मैप्स हमारे सामने हैं। अगर हम किसी मैप का इमेज लेते हैं तो हम जूम करते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी पृथ्वी का गोला हमारे सामने धीरे धीरे करके आ जाएगा। ये आ गया इंडिया हमारे सामने। हम यहाँ स्टॉप नहीं हो रहे हैं, इंडिया से हम एशिया में चले जाएंगे और पूरी पृथ्वी को हम अपने बोर्ड पर ला सकेंगे। मैं पूरा घुमा रही हूँ, पूरी गोल पृथ्वी घूम रही है। देखें कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम। चलिए हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं और घूम करके फिर इंडिया पर पहुँचते हैं। ये हमारा इंडिया, हमारा देश। अब इसको हम पूरे पृथ्वी को गोल घुमा करके दोबारा इंडिया के पास आ जाएंगे। हम राइट तरफ घुमा रहे हैं, राइट साइड में घुमा रहे हैं। इंडिया कब आएगा? ये आ गया। ये देखिए हम पूरी पृथ्वी के चक्कर काट करके दोबारा हम इंडिया पर आ चुके हैं। हम केवल साइड में नहीं बल्कि ऊपर नीचे भी इसको घुमा सकते हैं। कोई भी मैप अगर आप इमेज फॉर्मेट में लेते हो तो आपको इस क्लैरिटी का टीचिंग एड नहीं दे सकता है। क्या हम केवल मैप ले सकते हैं या कुछ और भी पॉसिबल है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम और क्या क्या ले सकते हैं। NCERT बुक्स, PDF। ये देखिए हमें NCERT के बुक्स यहाँ पर मिल रहे हैं और हम यहाँ से भी अपने बुक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट क्लास, ये मैंने क्लास 6th सेलेक्ट किया। ये इंग्लिश और बुक टाइटल हनीसकल। और हम आगे चलते हैं, इसको मैं जूम कर दूं। ये हनीसकल 6th क्लास की बुक हमारे सामने है और चैप्टर वाइज पूरी की पूरी बुक है। हम जिस चैप्टर को चाहें यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल को अगर हम अपने विंडोज PC से जोड़ते हैं या लैपटॉप से जोड़ते हैं तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो कि हम अपने PC पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जियोजेब्रा ऐप का यूज़ करना, एपलेट्स बनाना,
कोलैबोरेटिव वर्क करना, गूगल स्प्रेडशीट्स में काम करना, ये सारे आसानी से हो जाते हैं और वह भी कीबोर्ड और माउस को हाथ लगाए बिना, यानी कि इस पेन से, जो कि हर एक टीचर का फेवरेट डिवाइस है। कोई भी टीचर पेन या चॉक यूज़ करने में जो कंफर्ट महसूस करता है वो कीबोर्ड और माउस में नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल को कैसे टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक टीवी को हम किस तरह से इंटरैक्टिव बना सकते हैं और टीवी पर कैसे लिख सकते हैं और किस तरह से उसको क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स और हमारे बजट के अनुसार हमें अपने ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं। आपके स्कूल के लिए क्या बेस्ट है ये आप डिसाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से।